सो दोस्तों, हर वो जीव जो इस दुनिया में रहता है उसे अपनी प्रजाति बढ़ाने के लिए बच्चे तो पैदा करने पड़ते ही हैं। और आज आप इस वीडियो में देखोगे चाहे वो जेब्रा हो या फिर बंदर, वो अपने बच्चे को कैसे पैदा करती है। सो दोस्तों, वीडियो काफी अनोखी है तो इसे पूरा जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों चलिए अब देखते हैं कैसे एक बंदर अपने बच्चे को जन्म देती है। और यूं मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितने भी बंदर है वो अपने साइज के हिसाब से अपने बच्चे को अपने पेट पर रखते हैं। इसका मतलब यही है कि एक नॉर्मल साइज बंदर अपने बच्चे को अपने पेट पर करीबन 5 से 6 महीने तक ही रखेगी। और एक अनुमान के हिसाब से हर एक मादा बंदरी करीबन 3 से 4 सालों में अपने एक नए बच्चे को जन्म देती है। और अभी जो आप इस बंदरी को देख रहे हो, ये भी अपने बच्चे को बहुत ही जल्द जन्म देने वाली है। और जैसा कि हम जानते हैं, डिलीवरी के समय दर्द तो होता ही है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, तो इन्हें भी हो रहा है। पर चलिए आगे आप देखिए कैसे ये अपने बच्चे को जन्म देती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। अब आखिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देती है एक जेब्रा अपने बच्चे को जन्म। और इस कार्य को पूरा करने के लिए किसी भी जेब्रे को एक पर्टिकुलर शेप में बैठना पड़ता है, जिसके कारण ही उसका बच्चा आराम से बाहर आ पाता है। और लीजिए, बच्चा बाहर आ चुका है। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।